फाइनली हम भी रेडी होके जा रहे हैं अभी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो तो फाइनली अराउंड अभी 8 बज रहे हैं और भाई चेक करो यार, इतना ज़्यादा समझ में आ रहा है। आसपास तो आपको दिख रहा होगा पीछे कितना क्लियर हो रहा है। और आज है रिपब्लिक डे, तो आज देखा ही क्या करते हैं। वैसे कोहरा तो आज का ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। और देख सकते हो भाई, बच्चे यहाँ के लिए रेडी हो रहे हैं। जब तक स्कूल में थे ना, तो हम लोग भी जाते थे भाई सुबह सुबह ऐसे ही ठंड में, कुछ भी हो कोई भी फंक्शन स्कूल पे, तो हम लोग भी भाग के जाते थे जैसे ये लोग जाते हैं। पर अब क्या हो रहा है भाई, ठंड के कारण आदमी कॉलेज उतना दूर है तो आदमी जाता नहीं है। देख चाय वगैरह में कहाँ जाते हैं भाई, ठंड बहुत ज़्यादा और नहाने वहाने का कोई चीज़ नहीं। देख रहे हो आज मैं किस तरह का हूँ। तो फाइनली हम भी रेडी होके जा रहे हैं अभी पंचायत तरफ, कि भाई 1000 रोजा में कहीं में कहीं तो पहुंचना इंपॉर्टेंट है। आदमी कॉलेज तो नहीं जा पाता क्योंकि भाई काफ़ी दूर है, 40-40 किलोमीटर होगा अपना कॉलेज। और मैं ज़्यादातर फंक्शन में कॉलेज में नहीं जाता हूँ, ज़्यादातर मैं घर पे ही रहता हूँ। तो भाई मैं सोचा गांव की ग्राम पंचायत में ही घूमाते हैं। तो अभी यार देख सकते हो कोहरा पीछे समझ में आ रहा होगा, मतलब ख़त्म ही नहीं हुआ है अभी तक। अराउंड 8-8:30 हो रहे होंगे। एक बार मैं बैक करके भी दिखाता हूँ इधर, हरियाली तो नीचे अच्छी हरियाली दिख रही है, बट आसपास पूरा कुछ सामने कुछ दिख नहीं रहा है। क्लियर पे पे करके बता दूँ इस तरह का मौसम है भाई, देख लो हरियाली हरियाली, नीचे गेहूँ है और इधर तो यार कुछ आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी दिन हो गए, वैसे भी अभी इको पार्क वाली सीरीज चल रही थी, तो मैंने थोड़ा छोटे छोटे कुछ पार्ट्स काट काट के ना मैंने उसको अपलोड किया था, क्योंकि क्या था उसमें कुछ इंप्रेशन दे नहीं रहा था इस समय। और 4-5 दिन हो गए थे मेरे को भी यूट्यूब में, मतलब वीडियोस नहीं, मतलब 4-5 दिन खाली ऐसे ही चले गए थे। फिर मैंने भी सोचा कि भाई एक तो ब्लॉग मैंने एक फुल डाल दिया था, पर उसका कुछ में कुछ पार्ट्स काट के मैंने सीरीज़ बना दिया था, 5-6 वीडियोस चले गए हैं। तो आप लीजिएगा, पड़े होंगे आई बटन में मिल जाएगी आपको हालांकि। सो तो अभी हम जा रहे हैं और देख सकते हो भाई क्या हालत है, आसपास कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे चेहरे के अलावा। सो तो चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं गाइस। यहाँ तो मैं काफ़ी पास पहुँच गया हूँ भाई पंचायत भवन के, पर यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बज ही नहीं रहा है, सॉन्ग वगैरह कोई समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं क्या है भाई, कौन कौन है, आया कोई नहीं आया पता नहीं यार। स्कूल का हो गया, पंचायत का हो रहा, तो देख सकते हो काफ़ी बच्चे स्कूल के थोड़े बहुत दिख रहे हैं, देख लो। और कोहरा तो ख़त्म ही नहीं हुआ भाई, इतना ज़्यादा है। तो कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं देख लो, और ये पंचायत का है। तो भाई ये आ गई है निगाह में, देख लो पीछे सरपंच साहब के साथ आ गए निगाह में धर्म करने के लिए। ये निगाह स्कूल बचपन में हम लोग आए थे, तो चखाते हैं एक बार यहाँ का माहौल। ज़्यादा बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो देख लो ये सरपंच साहब है और ये स्कूल पूरे इधर से बहुत अच्छे, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। पकड़ ही तो ठीक है, ठीक है, ये भाई साहब
अब यहाँ नीगा का भी कंप्लीट हो गया और यहाँ से दूसरे स्कूल चलना गांव में एक और बाकी इनको ध्वजा रोहण के लिए। और मैं सरपंच के साथ में आया था आज, बोले चलते हैं, बोला चल खेलते हैं। तो अभी गांव का बाकी एक स्कूल कवर, तो अभी एक और जगह जाएंगे, वही उनको फोन आ रहे हैं। तो यहाँ का तो कम्प्लीट हो गया है और यहाँ भी बच्चे थोड़ा बहुत ज़्यादा है नहीं, तो चलते हैं, तब तक बने रहिए। तो भाई अभी आ गए गांव वाले स्कूल पे जिसमें हम लोगों ने पढ़ाई किया था, पचवीं तक पढ़े थे। एक बार बैक करके आपको दिखाऊंगा मैं, थोड़ा बहुत बच्चे हैं, ये पुराने वाले स्कूल, एक बार मैं बैक करके दिखा दूँगा आप लोग को। फाइनली यार यहाँ का भी कम्प्लीट हो गया। ये पहली वाली स्कूल जो मैंने पढ़ाई की जिसमें पचवीं तक मैंने, तो ये गांव वाली है उसमें, इसके भी कम्प्लीट हो गया। तीन जगह हम लोग जा चुके, तीनों जगह का कम्प्लीट हो चुका है। सो तो अभी थोड़ा हम लोग कुछ शॉर्ट्स लेंगे आगे तो दिखाएंगे आप लोग को। तो वीडियो चलिए, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा देश हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तब 1950 में, संविधान दिवस है आज के दिन। हमें सभी लोगों को गर्व करना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं, अपने से काम का, राष्ट्र का कार्य स्वयं का। तो फाइनली यार काफ़ी ज़्यादा धूप वगैरह हो गई है, तो तीनों जगह के हम लोग तीन जगह हो चुके हैं, एक पंचायत में और वहाँ पे भी स्कूल, तीन चार जगह धंधा रुका के आए हैं। और मैं अभी सरपंच के साथ चला गया था, पंचायत में मिल गए थे, बोले चल चलते हैं, बोला चल ठीक है चलते हैं। तीन जगह का कम्प्लीट हो गया। एक जगह अभी जाने के लिए सोच रहा था कि भाई एक जगह अभी चले जाएँ कहीं, कॉलेज तो जा नहीं पाया। तो तीन चार जगह का कम्प्लीट हो गया। तो इस ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस ब्लॉग का एंड करते हैं और तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।